से बहुत जल्दी से मरबूत हो जाऊंगा। अर्ज कर रहा हूँ, खुशकिस्मती है आदम सफीउल्लाह की। आप जी आप सलामत रहें। खूबसूरत सामीन मेरे सामने तशरीफ फरमाए हैं। मैं इबादत मजलिस मुझसे पहले की शुरू हो चुकी है। मेरे हिस्से की इबादत की इब्तिदा इस जुमले से हो जाती है और पहला जुमला कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, खुशकिस्मती है इब्राहिम खलीलुल्लाह की। आप जी आप सलामत रहें। बड़ा मकाम है आदम सफीउल्लाह का, बहुत रुतबा है नूह नजीउल्लाह का, खुशकिस्मती है दाऊद खलीफतुल्लाह की। लेकिन बहुत सारे मोमिनीन की तवज्जो हो गई, जो अभी चंद एक नहीं कर रहे तवज्जो, तो उनकी तकरीम की खातर इसी जुमले की फिर से तकरार करने लगा हूँ और कर रहा हूँ, खुशकिस्मती है इस्माइल ज़बीहुल्लाह की। क्यों कि उनकी खिलकत मेरे नबी के पसीने के कतरों से हुई। सफीउल्लाह का बड़ी मंजलत है मूसा कलीमुल्लाह की, बहुत रुतबा है ईसा रूहुल्लाह का कि उनकी खिलकत मेरे मुस्तफ़ा के पसीने के एक एक कतरे के गिरने से हुई है। तो फिर मैं कह सकता हूँ, जिस नबी के पसीने के कतरों की तासीर ये हो, जिस नबी के पसीने के कतरों की तासीर ये हो कि एक कतरा आए तो सफीउल्लाह बन जाए, फिर कतरा आए खलीलुल्लाह बन जाए, फिर पसीने का कतरा आए रूहुल्लाह बन जाए, तो जिसके पसीने में तासीर ये हो उसके खून की तासीर क्या। सकता हूं कि आदम मेरे नबी का पसीना है,
इब्राहिम मेरे नबी का पसीना है, अली मेरे मोहम्मद का खून है। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु वरसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना यकीमून अस्सलाता वयूतून अस्सकाता वहुम राकिऊन। अल्लाह भी वली है, उसके रसूल भी वली हैं, और वो भी वली हैं जो पढ़ते नमाज हैं पर हालत रुकू में देते ज़कात हैं। तर्जमा आपने होश होके सुन भी लिया, खूबसूरत अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार भी आगे से कर दिया, लेकिन कवायद के एतबार से ये तर्जमा दुरुस्त नहीं है जो अभी मैंने किया है, इसलिए कि मैंने कहा अल्लाह भी वली, उसके रसूल भी वली और अली भी वली। तर्जमा कवायद के एतबार से दुरुस्त नहीं, ये तीन मरतबा लफ्ज़ वली मैं तर्जमे में ले आया, जबकि आयत में लफ्ज़ वली अल्लाह ने एक मरतबा इस्तेमाल किया। आप जी हैं, आप सलामत रहें। अब ज़ाहिर है इस थोड़े से वक्त में मुझसे जितना खुलासा हो सकता है उतना करूँगा, और लफ्ज़ इमाम ज़मान देंगे जनाब सैयदा खुद इंशाल्लाह। तो अगर उन्होंने चाहा तो इस 20 मिनट के अंदर मतलब मुजस्सम हो जाएगा, ना चाहा तो फिर वो जाने, उनका जिक्र जाने। तवज्जो है समय। विलायत के बहुत सारे मुबादी हैं, विलायत हकीकिया, विलायत ज़ातिया, विलायत अर्ज़िया, विलायत तौलिया, विलायत बिमाने नियाबत या विलायत बेमाने वकालत। आप जब तक मुबादी नहीं समझेंगे आप इसकी तारीफ कर ही नहीं सकते। इसकी विलायत हकीकिया क्या है, विलायत ज़ातिया क्या है। लेकिन ये सुनने से पहले एक जुमला और सुने तर्जमा अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह, उसके रसूल और मेरे अली ये वली हैं। आयत में लफ्ज़ वली एक मरतबा आया, आना चाहिए था इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु वलीयुकुमुर्रसूलुहु वलीयुकुमुल्लज़ीना अल, तो फिर तर्जमा जो मैंने पहले किया है ना जिस पे आप बड़े मसरूर हुए हैं, फिर वो तर्जमा दुरुस्त था। लेकिन ऐसे नहीं है वलीयुकुमुर्रसूलुहु वलीयुकुमुल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना यकीमुनस, ऐसे नहीं आया। अगर यूँ होता तो फिर आयत का तर्जमा था अल्लाह भी वली है, उसके रसूल भी वली हैं, वो भी वली हैं जो पढ़ते नमाज हैं पर रकू की हालत में देते ज़कात हैं। ये तर्जमा तब तीन मरतबा लफ्ज़ वली तर्जमे में आ सकता था अगर लफ्ज़ वली आयत ने तीन मरतबा आता, लेकिन आयत में अल्लाह ने लफ्ज़ वली एक मरतबा इस्तेमाल किया है। आगे अपना नाम भी ले लिया, मेरे नबी का नाम भी ले लिया, मेरे अली का तज़किरा भी कर दिया। और असूल के अंदर एक कायदा है, एक कानून है कि एक लफ्ज अगर 70 मानी भी उसके क्यों ना हो, 100 माना भी क्यों ना हो, लेकिन एक लफ्ज एक वक्त में एक ही माना में आएगा, एक से ज्यादा मानी में नहीं आएगा। असूल फिक का कायदा यह है कि एक लफ्ज के अगर 14 मानी, मसलन हर्फ़े बा अरबी में अलिफ बे है ना, अलिफ के बाद जो बे है इस बे के 14 मानी है अरबी में, कुरान में 4 मानी में ये एक हर्फ इस्तेमाल हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 4 मानी इकट्ठे यहाँ पर मुराद नहीं लिए जाएंगे, कोई एक होगा, या तो इस्तियानत है या इल्साक है या इस्तेनाफ है या फिर मतलब मुतअद्दद इसके मानी है, तो एक वक्त में एक माना देगा, एक से ज्यादा मानी में नहीं आएगा। अगर ज्यादा मानी ये भी माना है, ये भी ले ले, ये भी ले ले, असूल फिक्र का कायदा टूट जाता है। और ये मासूमीन ने अल्फाज समझाने के लिए तो ये इल्मे असूल दिया हुआ है। ये जो आज कहा जाता है ना, हम असूली नहीं है, हम अखबारी हैं, इन बेचारे में पता ही कोई नहीं भी अखबारियत पब्लिक ना अखबारी होती है ना असूली होती है। जो आवाम होती है ना ये बड़ा बेवकूफ है, वो जाहिल उल्लू का पट्टा, उसको खबर कोई नहीं, जो कहता है नहीं नहीं हम तो अखबारी हैं। अरे भाई ना, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पब्लिक आवाम ना असूली होती है ना अखबारी होती है,
ये फतवा देने की मनहज है और फतवा देता है फकीह, और फकीह में दो मसलक है, एक अखबारियत वाला एक असूलियत वाला। तन्नू ते इस्तिंजे दी वाजिब मकदार का पता कोई नहीं, तू दसे ना भाई इत्थे किहड़ा असूल अल फिक दा कायदा लगदा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे मौला ने यह हैसियत भी दी है और मुझे हौसला भी दिया कि मैं इल्म असूल फिक की हर इस्तिलाह को मासूम की हदीस से साबित कर सकता हूँ। इस असूल फिक का जिसका इनकार आज बंदे कर रहे हैं ना, वो बंदे कर रहे हैं जिन्होंने कभी पूरा लिबास भी शायद ना पहना हो। सामने नगर हमें उस असूल फिक के अंदर यह कायदा, एक लफ्ज एक वक्त में एक माना में आएगा, एक से ज्यादा मानी में नहीं आएगा। तो फिर आयत विलायत में भी लफ्ज वली एक मरतबा आया है, अगर तो तीन मरतबा लफ्ज वली होता तो फिर कह सकते थे अल्लाह की विलायत किसी और माना में है, नबी की विलायत किसी और माना में है, अली की विलायत किसी और माना में है। लेकिन अल्लाह इन खबासतों को जानता था कि मौली जहां जहां से खबासत करेगा, अल्लाह ने खबासतों के दरवाजे बंद कर दिए और लफ्ज वली एक मरतबा इस्तेमाल करके आगे अपना नाम भी ले लिया, नबी का तस्करा भी कर दिया, अली का तस्करा भी कर दिया और एक मरतबा लफ्ज वली इस्तेमाल करके यह ऐलान कर दिया कि जिस माना में मुझे अल्लाह की विलायत है उसी माना में नबी और अली की विलायत। साथ रहना, मिसाल देता हूं। मसलन एक बर्तन ले, उसमें पानी डालकर आग पे रख दे, आग टच करेगी बर्तन को, आग अपनी हरारत मुंतकिल करेगी बर्तन में और बर्तन वो हरारत जो उसकी जात में नहीं थी,
बर्तन की जात में तो जलाना नहीं है ना, तो फिर तो जो बर्तन भी वो हाथ लगाए तो हाथ जल जाए, इसका मतलब है उसकी जात में आग नहीं है, हरारत नहीं है। ये जब से आग के साथ इर्तिबात हुआ है वो आग वाली खसूसियत इधर भी मुंतकिल हो गई है। आग टच कर रही थी बर्तन को, बर्तन में अपनी हरारत मुंतकिल कर रही थी आग, आग में फिर बर्तन अपनी हरारत मुंतकिल कर रहा था पानी में। थोड़ी देर के बाद जब पानी उबलने लग जाए तो आप एक काम करें, किसी बड़े से मुफ्ती साहब को साथ लें, उन्हें कहें जरा मैं बड़ा परेशान हूं, ये मुझे जरा मसला समझा दे। क्या समझाऊं? कहा जनाब ये पानी उबल रहा है, नीचे आ गया है, इस पानी में मैं उंगली डालता तो ये भी जला देता है, और आग में डालू तो ये भी जला देता है। मुझे ये बताएं, पानी भी जला रहा है, मुझे नहीं पता जी, यकीनन ये मजमा ऐसा खूबसूरत है कि मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि पीछे नहीं रहेगा, और जो मैं कहना चाह रहा हूं यकीनन मुझसे आगे निकलेगा। मैं आग पानी में डालता हूं, पानी भी जला रहा है, तो ये जो आग है आग में डालता हूं उंगली, आग भी जला देती है, तो मुझे ये बताएं दोनों ही जला रहे हैं, तो क्या आग को पानी को मैं आग कह सकता हूं? फर्ज करें, फर्ज करें, ऐसे तो सौखी गल तो हो ही को नहीं सकती। मैंने उंगली डाली पानी में, उसने भी जला दी, वही उंगली डाली आग में, उसने भी जला दी, तो मैं नतीजा निकाल लूं कि चूंकि पानी ने मेरी उंगली जलाई है लिजा ये पानी पानी नहीं ये आग है। तो शेष चुगानी में तो कोई पागल हो ना हो, जितने मंडी बहाउद्दीन के पागल हैं वो सारे इकट्ठे होकर मुझे पागल कहना शुरू कर देंगे, इसलिए कि वो पागल भी जानता है कि पानी अगरचे जला रहा है लेकिन फिर भी पानी पानी है, आग आग है। अल्लाह की विलायत भी हकीकी है, नबी और अली की विलायत भी हकीकी है, वो भी कुंभ इस नहीं कहता है तो मुर्दा जिंदा होता है, अली भी इशारा करता है तो मुर्दा जिंदा होता है, लेकिन मुर्दा जिंदा करने के बावजूद अल्लाह अल्लाह है, अली अली। फजाइल अगर पढ़े तो फजाइल पढ़े, ना ना कुफर मंसूब करके ना पढ़े, ऐसा नहीं है। अल विलायत तौहीद की नफी का नाम नहीं, विलायत तौहीद के तारफ का नाम है, विलायत तौहीद की जिद का नाम नहीं, जिस तरह शरीयत आजादारी की जिद नहीं, बल्कि सही शरीयत वो है जो आजादारी का ढंग सिखाए, और सही अलादारी वो है जो शरीयत का पाबंद बना है। विलायत हकीकिया, विलायत साथिया, विलायत अर्जिया। अब जाहिर है इसके मुबादी पे गुफ्तगू करें तो बहुत सारी निश्चितों की जरूरत है, मैंने सिर्फ खुलासा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक जुमला बस और आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ, इसलिए मुगालते में नहीं आना। ये मतालिब मैं सात अशरे तो जनाब सैयदा के आपके सामने पढ़ चुका हूँ, जनाब सैयदा के खुतबे पे, और उसमें मैं ज़रूर इन चीज़ों को भी टच देता रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि अली वजहुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है, पर वजहुल्लाह होना और है और अल्लाह होना है। यह बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। मैं अर्ज करूँ कि ज़ाहिर है ये मतालिब मैं बयान कर चुका हूँ आपकी खिदमत में, सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूँ कि बाज़ काम अफ़आल वो हैं जो सिर्फ अल्लाह के साथ मुख्तस हैं, उसमें कोई और शामिल नहीं है,
बास काम वो है जो माजून मिनल्ला मासूम करते हैं या मलाइका करते हैं। एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, अल्लाह के अस्माए हुस्ना पढ़ें और फिर जाकर उसमें कुछ अस्मा अस्माए ज़ाती हैं और कुछ अस्मा मुश्तरक हैं। तवज्जो है सामने, मसलन खालिक होना, ये खालिक अगर मुतलक कहेंगे तो अल्लाह मुराद है। परेशान हो गया, अगर खालिक कहेंगे मसलन रब, रब पे मुतलक भी है, रब पे मशरूत भी है, तो अगर असल माना रबूबियत का जब बगैर किसी करीने के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो रब मुतलक मुराद होगा। अब रब मुतलक क्या है, असल रबूबियत क्या है, ये भी मैं बयान कर चुका हूँ इन्हीं अशरों में, बारह चक में शाह साहब के पास भी तीन चार अशरे गालिबन मैंने पढ़े हैं जनाब सैयदा के, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें मैंने बयान की हुई हैं। अब अगर याद हों तो फिर तो बहुत, फिर इससे बड़ी तो और चीज़ ही कोई नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तो इस वक्त अब याद दिलाने का वक्त नहीं है। सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ, अमीरुल मोमिनीन के पास कुछ लोग आए, और क्योंकि बंदे मोमिनीन सादा हैं, सादगी की वजह से हमारे पास पढ़ने वाले भी ऐसा नहीं है कि वो अंदर से कोई मेलाफाइड टेंशन है, नहीं, बस बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ला इल्मी की बिना पर उससे गलत मतलब मुराद लेते हैं, और फिर मोमिनीन भी आगे से सादगी का इजहार, मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, हर जगह पे मोहब्बत ऐसे साद, अब हालात चूँकि सादा नहीं है, हालात बड़े पेचीदा हैं, दुश्मन आपके अंदर भी गुस्सा हुआ है, दुश्मन आपके बाहर से भी यलगार कर रहे हैं। शहीद के भाई हैं, सलाम करते हैं, मैंने आज आपके पास आना था यहाँ से निकल कर, तो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए चले, इंशाल्लाह उस दिन पे मैं कोशिश करूँगा हाजिर होने की। भारत मेरे मोहतरम सामने गिरामी, विलायत विलायत हकीकिया है, लेकिन विलायत हकीकिया अल्लाह की विलायत विलायत हकीकिया भी है, विलायत ज़ातिया भी है। नबी अली की विलायत विलायत हकीकिया है, साथ विलायत अर्जिया है, वो विलायत ज़ाती है, ये विलायत अर्जी है, यानी ये किसी के बनाने से वली बने हैं, वो किसी के बनाने से नहीं बनी, उसकी ज़ात में विलायत। अमीरुल मोमिनीन के पास चंद लोग आए और आकर, अब मैं खुतबतुल बयान बयान करूं तो वो खुतबतुल बयान दो मिनट की बात नहीं है, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि खुतबतुल अमीरुल मोमिनीन की विलायत तकवीनियाँ अपनी जगह पर, कि जब चाहें उंगली का इशारा करें डला सूरज पलट के पीछे आ जाए, इशारा करें चांद तो हिस्सों में कट जाए, जब चाहें, लेकिन ये विलायत तकवीनियाँ हैं, विलायत का कि जम्बा जम्बा मलकूती है, जम्बा तकवीनी है, जम्बा फिकही है, इस विलायत का जम्बा कलामी है। इसको अभी छोड़ दें, अमीरुल मोमिनीन के पास चंद लोग आए और आकर कहा कि या अमीरुल मोमिनीन हमें अपने कुछ फजाइल बताएं, फरमाया मैंने बयान किए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, कहा नहीं मौला हम करेंगे, फरमाया नहीं मैं जो कह रहा हूँ तुम नहीं कर पाओगे, कहा मौला हम करेंगे, आपसे वादा कर रहे हैं, फरमाया वादे पे फिर पक्के रहना, मेरे मौला ने दरवाजा बंद करवा लिया और फरमाया अब सुनो, फिर अब कुछ जुमले इब्तिदाह कहे, मैं दो तीन जुमले सिर्फ उसके अमीरुल मोमिनीन की जुबान से निकले हुए, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अनल्लज़ी उहयी व उमीत, मैं ही वो अली हूँ जो मौत भी देता हूँ जिंदा भी करता। अरे परेशान नहीं होना भाई, अली ने अगर दावा किया है तो अली से इसका मतलब भी पूछना है। अनल्लज़ी दहौतुल अर्द, मैं वो अली हूँ जिसने जमीन को बिछाया था। अनल्लज़ी अमतरतुल मतर, मैं वो अली हूँ जिसने बारिश बरसाई थी। अनल्लज़ी उहयी व उमीत, मैं वो अली हूँ जो मौत देता हूँ जो जिंदा करता हूँ। इतने जुमले कहे ना, आगे के जुमले और हैं, बंदों के दिल में इस कदर घुटन महसूस हुई कि उठकर कहने लगे नऊज़ु बिल्लाह के तो कुफ्र है, उठकर बाहर चलने लगे, दरवाज़ा खोला, अमीरुल मोमिनीन अब यूं तो नहीं है ना, ये होती है विलायत तकवीनी। अली मौला ने अब यूँ नहीं कि उठकर उनका हाथ पकड़ के पीछे बुलाया, नहीं नहीं पहले बात तो सुन लो, नहीं नहीं नहीं, अली वो है जो बेइज़्निल्लाह जब चाहे जैसे चाहे,
अली मौला ने दरवाजे को, खुले हुए दरवाजे को इशारा किया। अल इख्तिसास के अंदर शेख मुफीद ने इस रिवायत को नकल किया है कि अलामा लिखते हैं इस रिवायत के अंदर के अमीर अल मोमिनीन ने देखा ना कि दरवाजा खोल के जा रहे हैं और अली की जात में शक करके जा रहे हैं, तो अली वो नहीं है जो किसी को मशकूक बनाकर भेज दे, अली वो है जो शक को खत्म करे यकीन की मंजिल पे। ऐसे खुले हुए दरवाजे को इशारा किया जो खुला था खुद बहुत बंद होना शुरू हो गया। फरमाया आप पीछे आ जाओ वरना जब तक पीछे नहीं आओगे अगली बात नहीं सुनोगे उस वक्त तक ना दरवाजा खुलेगा ना तुम उठने की ताकत रखते हो। ये पलट कर पीछे आए। फरमाया अब सुनो अली माला जो तुम्हें कहते हैं तुम मेरी गुफ्तगू नहीं समझ सकते, मेरे फजाइल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा मौला पर मामला क्या है? फरमाया ये जो मैंने कहा है ना अनल अनल अव्वल वल आखिर, मैं ही अव्वल हूँ मैं ही आखिर हूँ, अनल लजी उहजी व अमीत, मैं ही वो जो मौत देता हूँ मैं ही वो जो जिंदगी देता हूँ। फरमाया इसका मतलब ये है कि मैं वो हूँ अनल लजी उहजी सुन्नत रसूलिल्लाह व अमीत अल बिदअ, मैं वो अली हूँ कि जो सुन्नत रसूल को जिंदा करता हूँ और बिदअत को मौत देता। मतलब तो वही लेना जी ना, मतलब तो यही लेना जी ना जो अमीर अल मोमिनीन ने किया है कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं ना होना चाहिए, तवज्जो है, मैं वो इससे मुराद ये मैं जिंदा करता हूँ मैं मौत देता हूँ, इसका मतलब ये है। इसका मतलब विलायत तकवीनी की नफी नहीं है, वो अपनी जगह पर मौजूद है लेकिन उन्होंने जरा समझ के हर जगह पे मासूम मौजज़े की ताकत हर वक्त होती है, हर जगह मौजज़ा दिखाते नहीं है। मौजज़े की शर्तें पूरी होंगी तो मौजज़ा दिखाएंगे, जिहाद की शर्तें पूरी होंगी तो फिर तलवार उठाएंगे फिर मौजज़ा नहीं दिखाएंगे। अब यूं नहीं कि उस वक्त मौजज़े की ताकत भी खत्म हो गई, नहीं मेरे मोहतरम सामने गिर। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, अनल अव्वल वल आखिर, मैं ही वो अली हूँ जो अव्वल भी हूँ जो आखिर भी हूँ। कहा मौला ये तो अल्लाह के अस्मा हैं। फरमाया वो उसकी अव्वलियत अव्वलियत हकीकिया है, हमारी अव्वलियत अव्वलियत इजाफिया है। जिन्हों एक भी नहीं पता वो भी फतवी लग गया, अव्वलियत अव्वलियत हकीकिया और है अव्वलियत इजाफिया और है। लो जी वक्त पूरा हो गया तो हाँ मैं मुझे तो कोई नहीं पढ़ाते जाए हैं लेकिन अब अजान का टाइम है तो मैं उसमें ज़्यादा मुखल नहीं होगा। ये जुमला सुन ले अनल अव्वल वल आखिर, तो मौला ये तो अल्लाह के नाम है, पर मैं उसकी अव्वलियत अव्वलियत हकीकिया है, हमारी अव्वलियत अव्वलियत इजाफिया है। जब उसको अव्वल कहते हैं तो किसी और को मद्दे मुकाबल नहीं कहते कि वो अव्वल है तो ये सानी है ये सालिस है ये रावे है ये खामिस है ये सादिस है ये आयशाबे है, ये नहीं होता बल्कि मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ इतनी सी है आप तक पहुंच जाएगी। अवलियत इजाफिया अवलियत इजाफिया अवलियत हकीकिया, अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं उसकी अवलियत अवलियत हकीकिया है, हमारी इजाफिया इजाफी जब किसी और को मद्दे मुकाबल सामने। और अमीर अल-मोमिनीन ने मतलब भी ये फरमाया, फरमाया अनल अव्वल का मतलब ये है कि मैं वो पहला हूँ जब कोई भी नबी के साथ नहीं था मैं मोहम्मद की तब भी तस्दीक कर रहा था। अली मौला का बयान किया मतलब है। और फिर फरमाते अनल आखिर, मैं वो आखिर हूँ, फरमाते जब मैं आया था
سب سے پہلے میں نے آنکھ تب کھولی جب نبی سامنے آئے تھے, اور میں آخر وہ ہوں جب نبی دنیا سے جا رہے تھے, سب سے آخر پر بھی میں ہی وہ علی ہوں جس نے نبی کو غسل بھی دیا ہے, نبی کو کفن بھی دیا. میں ہی وہ علی ہوں. اگلے جملے کو جو نے جڑے مولا نے نہیں کہے, جیسے خطبۃ البیان میں اس کے تین حصے ہیں, سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. مثلا اس میں حضرت عمار یاسر راوی ہیں. حضرت عمار یاسر کہتے ہیں کہ میں نے سنا 48 ہجری میں امیر المومنین نے یہ خطبہ دیا اور میں پاس تھا, میں نے خود سنا. خطبۃ البیان نام تو سنا ہے نا, تو پورا شاید آپ جنہوں نے, ہاں تو اس میں خطبۃ البیان ایک بڑا لمبا خطبہ ہے امیر المومنین سے منسوب ہے. حضرت ہمارے یاسر اس کے واحد راوی ہیں, وہ کہتے ہیں میں پاس تھا, میرے دیکھتے ہوئے امیر المومنین نے خطبہ دیا, 40 ہجری تھی. اب میں کیا کروں, میں کیا کروں, میں کیسے مانوں؟ ارے میرے بھائی, حضرت ہمارے یاسر کہتے ہیں 40 ہجری میں دیا, جبکہ ہمارے یاسر 38 ہجری میں جو جنگ صفین ہوئی ہے یہ وہاں شامل تھے اور وہاں بھی شہادت ہوئی ہے. خطبے کی تاریخ بتائی جا رہی ہے 40 ہجری, یہ بتائیں کہ قبر سے نکل کر علی کی کلام سننے آ گئے تھے. یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے سرکار ابو طالب علیہ السلام رحلت ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا, میں نے خود سنا کہ نبی نے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لو, میں آپ کی شفاعت کر دوں گا, تو انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. تو لکھ لیں جتنے کتابیں چاہیں, میں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں, مشکل نہیں ہے. تشیع تسنن کے درمیان یہ کہتے ہیں میں پاس تھا, میرے دیکھتے ہوئے نبی نے کہا کلمہ پڑھو, چچا جان نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. سامعین, میں کیسے مان لوں اس راوی کی بات, اس لیے کہ سرکار ابو طالب کی رحلت ہوئی ہجرت سے 3 سال پہلے. یہ ایسا راوی ہے جو سرکار ابو طالب کی رحلت کے 1 مہینہ اور 5 دن بعد خود پیدا ہوئے. اے من لا میں گل تے جس قائدے نال اے نہیں من دے, اے ہی اتھے بھی لگتا ہے. اس خطبۃ البیان میں یہ ہے کہ میں وہ ہوں جس نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. توجہ ہے, تے اللہ دے تے ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں, تے پھر اے کی گل ہے. میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں ایسے یہاں پہ, اچھا مجھے اب یہ تو یاد نہیں ہے, لیکن اس پہ کر چکا ہوں, مجھے اتنا یاد ہے. نہیں ابھی کہا کہ جناب سیدہ کہتی ہے کہ میں وہ ہوں جس نے حوا کو اپنے ہاتھوں سے بنا, اللہ دے تے ہاتھ ہی کوئی نہیں, یعنی وہ پھر کیویں بنا سکتے؟ اس کا مطلب اللہ تے عاجز ہو گیا, یعنی بنا ہی نہیں سکتا. تو جس اللہ نے آدم کی خلقت کے اعلان کیا, اس اللہ نے علی کو کیسے بنا لیا تھا؟ علی بھی تو بنی ہے, تو وہ کیسے بن گیا؟ اس ویلے آپ تھے ایسا, بعد میں کدھر چلے گئے سر؟ یہ مطلب ہے کہ جڑا بندہ اللہ دے اے ہاتھ مند ہے نا, اہل بیت اطہار فرماتے ہیں جو اللہ کے ہاتھ اس طرح مجسم شکل میں مانتا ہے وہ اگر گواہی دے تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی. پھر کیا مجسمہ سے اس کا تعلق ہے, اور قوم یہود کے عقائد کا ترجمان ہے, اس طرح نہیں ہے. یہ اس میں کہ خلیمہ خلق تو بے یدئی, جس کو میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے. ما مانا کان تسجد, تجھے کس نے روکا تھا ہے ابلیس آدم کو سجدہ کرنے سے؟ لما خلق تو بے یدئی, جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. تو یہ ہاتھ در حقیقت, اب چھٹے مولا آپ پڑھ لیں ذرا کتاب التوحید پڑھیں, شیخ صدوقی کی 2 جلدیں ہیں, صرف معصومین کی احادیث ہیں. تو معصومین نے اس کا مطلب یہاں کیا بیان کیا, ایک مطلب وہ ہے جو میری خواہش ہو سکتی ہے, آپ کی ہو سکتی ہے, ایک مطلب وہ ہے جو میرے چھٹے مولا نے, میرے پانچویں مولا نے, ساتویں مولا نے یہاں پر, لما خلق تو بے یدئی, اے خلق تو بے قدرتی, جس کو میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا. اس لیے ہر گل تعداد بھی کو نہیں بنتی, تعداد نہیں دینی. بہرحال چلو جی,
और मैं बहुत ज्यादा बस ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा पढ़ लिया। एक जुमला बस सुन ले मेरे मुख्तरम शामी, इधर मतलब ये नहीं भाई अली नु रब ना मनिए ते अली अली नहीं 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 रबूबियत और है विलायत और है, और ये भी मैं बयान कर चुका हूँ, रब होना और है मौजिस नमा होना और है, अल्लाह रब है अली मौजिस नमा है मौजिस नमा। और बड़ी लंबी हदीस भी मैंने पेश की यहाँ पे इमाम रजा अलैहिस्सलाम की, जिसमें जिसमें मेरे मौला ने नसारा के उलमा से पूछा ये बताओ तुम ईसा के मुतल्लिक क्या अकीदा रखते हो, कहा चूंकि वो मुर्दे को जिंदा करते थे बीमार को शिफा देते थे इसलिए हम वही इस्तेहकाक रखते कि उन्हीं को रब माना जाए। मेरे मौला फरमाते हैं तो ये काम तो मेरे दादा अली भी कर चुके हैं, ये काम तो मेरे नाना रसूल भी कर चुके, बहुत सारे अंबिया 12 सफहात पर मुश्तमिल ये हदीस है, मैंने सिर्फ आखिरी जुमला उसका पढ़ा आपके सामने। फरमाया ये काम तो हजरत तालूत भी कर चुके हैं, ये काम तो हिजकील नबी भी कर चुके हैं, ये काम तो हजरत यसा नबी कर चुके हैं, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तो चंद मुर्दों को जिंदा किया, हिजकील नबी ने तो 35,000 मुर्दों को जिंदा किया था, तो फिर उनकी उम्मत ने तो इस वजह से उनको रब नहीं माना ना, तो चंद मर्दों की वजह से ईसा को रब कैसे। अबर छठ आठवें मौला फरमाते हैं मुशरिकीन मक्का मेरे नाना जान के पास आए और आकर कहा कि ये ऐ मोहम्मद के अब्दुल्ला के बेटे हम आपको नबी मानते हैं, हमारे मुर्दों को जिंदा कर दो, हमसे हम कलाम हो, हम उनकी बात सुने, हम उससे चंद सवाल करना चाहते हैं। तो नबी वो तो नहीं है ना ऐसे ही खुद के उठ उठ के अली फरमाया या अली जाओ जो मैं करता हूँ वही तो करता है। अमीर अल मोमिनीन वहां पे गए कब्र पे ठोकर मारी ऐसे उठा मट्टी झाड़ता हुआ कब्र से बाहर निकल आया। अच्छा कहते सोचिया जे ये भी बिल्कुल इधर बदन सलामत सी नहीं, इधर मतलब मट्टी सिर्फ मोमिन के बदन नु खांदी है, उसके बदन खाया जा चुका था खत्म हो चुका था, मौजजा कहते ही इसको कि जो जर्रात में तकसीम हो जाए अली के कहने से पलक चमकने से पहले वो कट्टा भी हो जिंदा भी हो जाए, ऐसे कब्र से बाहर निकले एक एक करके। अब आप मेरे आठवें मौला ने बहुत फरमाते मेरे दादा अली ने बहुत सारे मर्दों को जिंदा किया, वलम नत्तखिज़हुमा रब्बन, इस वजह से ना हमने अपने नाना जान को रब कहा है ना अपने दादा अली को रब कहा। अरे रब होना और चीज है, मौजिज नमा होना और चीज है। अगर रबूबियत को समझने की कोशिश करें, विलायत और तौहीद एक नहीं है, विलायत तौहीद के तारुफ का नाम है। मेरे मोहतरम शामी पास बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर से पहले मुझे ख़त्म कर देना चाहिए था, आधा जुमला से सुन लें। अली की बेटियाँ कैद निभाने के बाद वापस आ गई मदीना में, जनाब मोहम्मद हनफिया इत्तला मिली असा का सहारा लेके चले, ऐसे एक छोटा सा लुटा हुआ काफिला है, बड़ी बेइत्तेनाई से करीब से गुजर गए 5 साल के ज़ईफ इमामे बाकर, बाबा जान का हाथ पकड़ के कहते हैं बाबा जान लगता है दादा जान ने हमें पहचाना है, हाँ बेटे ऐसा ही है, बाबा जान अगर इजाजत है तो मैं दादा को अपना तारफ करवाऊं। फरमाया बेटे जाओ, इमाम बाकर के दादा मोहम्मद हनफिया की अब आपने ऐसे हाथ डाल के हिलाया, मुड़ के देखा कौन हो, का दादा मेरा सलाम, का मुझे दादा कहे तो मोहम्मद बाकर कहे तू कौन है, तेरी उम्र थोड़ी सी है तेरा सर सफेद हो चुका है, दादा मैं ही मोहम्मद बाकर हूँ, जब यकीन हो गया ना कहा मुझे ये बताओ अगर तू मोहम्मद बाकर मेरा सज्जाद कहाँ है। फरमाया वो जो दरवाजे के साथ बैठ के पानी नहीं खून रो रहा है वो मेरे दादा सैयद सज्जाद ने, रवायत का जुमला है बहुत जल्दी के साथ ऐसे सरकारें मोहम्मद हनफिया पीछे आए और सरकारें सैयद सज्जाद
طبیعت کا تقاضا ہے نا, دستور زمانہ ہے. جب کوئی بچھڑا ہوا ملتا ہے نا عزیز, تو اس کو باہیں کمر میں ڈال کر سینے سے لگایا جاتا ہے. اللہ لکھتے ہیں کہ جیسے محمد انبیاء نے دونوں باہیں سجاد مولا کی کمر میں ڈال کر ایسے کھینچنا چاہا نا, سجاد مولا بیٹھے بیٹھے زمین پہ بیٹھ گئے. لنگر تے نماز دا ہے, سارے مومن نماز بھی پڑھ لو اور لنگر بھی کر لو. وقفے تو بعد ذاکر اہل بیت شہنشاہ حسین نقوی آف گجرات, ذاکر اہل بیت عمران خادم بجلی آف ملک وال, ذاکر امداد حسین شیرازی آف